Okay, today we are starting with prod, that is section 17, right? Come to page number 30. Okay, now before we start reading the definition of fraud, what is fraud? Fraud hum isme padhne wale hain, that when one person conceals the facts and he is causing fraud to another, theek hai? Supposedly, I am, you know, selling you some product, theek hai? और मैं आपको वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन गलत बताती हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आई हैव डन अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, राइट? मैं ये क्यों करती हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ा के बता रही हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ये भी करता है, इसमें ये भी फीचर्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हाई एम आई डूइंग सो? सो दैट यू गेट अट्रैक्टेड टू माई प्रोडक्ट एंड यू टेंड टू बाय माई प्रोडक्ट, ठीक है, एट वॉट एवर प्राइस आई एम स्टेटिंग. तो यहाँ पर मैंने किया क्या है, आई हैव कॉज्ड यू अ फ्रॉड, ठीक है. ओके, कम टू द डेफिनेशन. Fraud means and includes any of the following acts. यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 5 दिए हैं, ये उनकी acts की बात कर रहे हैं. जब हम पढ़ेंगे, then we'll understand. It includes any of the following acts committed by a party or by his agent with the intent to deceive another party. ये fraud मैंने किया क्यों? So that मैं चाहती थी आपको ठगना चाहती थी, right? यहाँ पर जो word लिखा है ना, deceive. इसका क्या मतलब होता है? सामने वाले को ठगना, ठीक है. तो मैंने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बड़ा चढ़ा के क्यों बोले हैं? सो दैट आप उसको परचेस करो एट वॉट एवर प्राइस आई एम स्टेटिंग, ठीक है. तो यहां पर मेरा इंटेंशन क्या है? क्या मेरा इंटेंशन प्योर है? द आंसर इज नो, राइट. तो यहां पर मैं पर्पसली अपने प्रोडक्ट के फीचर्स एडअप करती हूँ एंड आई स्टेट यू दोस फीचर्स ऑल्सो जो मेरे प्रोडक्ट में एब्सेंट है, ठीक है. तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन, सपोज आई एम द सेलर, ठीक है, आई एम सेलिंग यू सम प्रोडक्ट एंड आई हैव एडेड सम फीचर्स, जो कि वो फीचर्स वो प्रोडक्ट करता भी नहीं है. तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन क्या है? टू डिसीव यू. सो ये वर्ड को हाईलाइट कर लो, ये फ्रॉड में आना ही चाहिए वर्ड. व्हाई हैव आई कमिटेड फ्रॉड? टू डिसीव यू. डिसीव का मतलब होता है ठगना, हिंदी में अगर आप बोलो तो. तो कहीं ना कहीं यहां पर मैंने आपको झूठ बोला है, राइट. नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. द फैक्ट्स व्हिच आई एम स्टेटिंग यू इज नॉट ट्रू. अंडरलाइन करो जितना मैंने हाईलाइट किया है. द फैक्ट्स जो मैं आपको बता रही हूं, दैट इज नॉट ट्रू. क्या मैं आपको सच कह रही हूं? द आंसर इज नो. मैं आपको झूठी, उसके झूठे फीचर्स बता रही हूं, राइट. हु एम आई? I am the seller of the product, right? आगे देखो क्या लिखा है. By the one who does not believe it to be true. मतलब क्या? मुझे सच्चाई तो पता है ना, right? I know the truth, but still I am adding up the features and telling you, right? So यहां पर मैं आपको बोल झूठ रही हूं, पर मुझे तो सच्चाई पता है, right? तो ये झूठ बोल कौन रहा है? Who does not believe it to be true. मुझे तो पता है ना कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत बोल रही हूँ. I know it. बट मैं आपको झूठ बोल रही हूं, ठीक है. तो आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लो पूरा. द सजेशन और द फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, और ये बोल कौन रहा है? बाय द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप पहले लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है नॉट ट्रू, फिर लास्ट सेकेंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट में लिखा है हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू. हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू, हु कौन? मैं. हु इज द सेलर, लिख लो चाहिए तो. तो सेलर को सच्चाई तो पता है, राइट. पर वो जो बोल रहा है दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है. यहां पर सपोजिटली, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है. यहां पर मैंने आपको फीचर्स ऐड करके बताए हैं, ठीक है. अब सेकंड पॉइंट सुनो. ये प्रोडक्ट में कुछ खराबी है, पर मैं आपको वो खराबी बता नहीं रही हूं, मतलब मैं छुपा रही हूं, राइट. आई एम हाइडिंग, आई एम कंसीलिंग, ठीक है. देखो पॉइंट टू, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ द बिलीफ ऑफ द फैक्ट. मतलब आई नो कि इसके अंदर कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ खराबियां हैं, बट व्हाट एम आई डूइंग? एम आई डिस्क्लोजिंग इट टू यू? द आंसर इज नो. आई एम कंसीलिंग इट, आई एम हाइडिंग द फैक्ट, ठीक है. सो फ्रॉड में सिर्फ एडिशंस नहीं होते हैं, कंसीलमेंट भी होता है. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. फ्रॉड मतलब मैंने आपको सिर्फ फीचर्स बड़ा चढ़ा के बोले, इसको भी फ्रॉड कहेंगे.
अगर कुछ खराबी है प्रोडक्ट में तो मैंने उसको हाइड कर लिया, उसको कंसील कर लिया, उसको भी हम फ्रॉड कहेंगे, ठीक है। सो एडिशंस ऑफ द फीचर्स और कंसीलमेंट ऑफ सम हिडन फैक्ट्स, दोनों को हम फ्रॉड में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अच्छा, अब हम दोनों के बीच में प्रॉमिस क्या बनाए कि मैं आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बेचूंगी और आप मुझे प्राइस पे करोगे, ठीक है। अब फीचर्स को बढ़ा चढ़ा के हम प्रॉमिस तो फुलफिल कर रहे हैं, पर क्या वो प्रॉमिस उस इंटेंशन से बनाया गया था? आप तो चलो मुझे प्राइस पे कर रहे हो, ठीक है, बट आई एम ऑल्सो सेलिंग यू द प्रोडक्ट, पर क्या मेरा इंटेंशन प्योर है? अब आंसर इज नो, ठीक है। वॉट इज माई इंटेंशन? कि बस ये प्रोडक्ट बिक जाए, राइट। फोर्थ पॉइंट देखो, एनी अदर एक्ट, मतलब जो ऊपर 1, 2, 3 में नहीं लिखे हैं, अगर कुछ और भी एक्टिविटीज हैं जिनको लॉ ने फ्रॉडुलेंट माना है, उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया है। सो एनी अदर एक्ट टू डिसीव, डिसीव का हमने ऊपर ही मतलब पढ़ लिया है, सामने वाले को ठग लेना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में अंडरलाइन करो, और एनी सच एक्ट और ओमिशन, बस इतना ही, विच लॉ डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। मतलब हो सकता है बाय द टाइम कुछ और भी एडिशंस हो, तो उसको भी इंक्लूड आपने फिफ्थ पॉइंट में कर लिया है। जो हम लास्ट में देखो पढ़ते हैं मिसलेनियस पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट नंबर 5, ठीक है, कि अगर और भी कुछ चीजें हैं तो उसको भी लॉ ने फ्रॉडुलेंट में कंसिडर कर लिया है। डन, नाउ रीड द डेफिनेशन अगेन और वापस ये 5 पॉइंट्स पढ़ लो। बेसिकली फ्रॉड इज कि सामने वाले को झूठ बोलना, ठीक है, या तो फिर सच्चाई छुपाना। सो ईदर एडिंग द फीचर्स, ओके, और ईदर हाइडिंग सम जो भी कमियां हैं उसके अंदर। सो फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट एडिंग फीचर्स, सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट कंसीलिंग द फैक्ट्स। मतलब अगर मुझे पता है दैट इन दिस प्रोडक्ट देर आर सम डिफॉल्ट, तो वो मैं डिफॉल्ट आपको बता नहीं रही हूँ, इनफैक्ट छुपा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इंटेंशन क्या होता है कि सामने वाले को डिसीव करना, सामने वाले का नुकसान करवाना, राइट, टू कॉज लॉस टू अनदर। तो अगर आप ये प्रोडक्ट मुझसे खरीदते हो तो मेरा प्रोडक्ट तो बिक जाएगा, मुझे पैसे तो मिल जाएंगे, बट हैव यू गॉट द वैल्यू ऑफ मनी? नो, राइट, आपका तो नुकसान हो गया। ये प्रोडक्ट आपको 100% कैपेसिटी में मिलेगा क्या? ऑल्दो आई विल ट्रांसफर इट टू यू, बट विल इट यूटिलाइज इट 100%? द आंसर इज नो, आपका तो नुकसान हो गया। ये अगर आप किसी और सेलर से खरीदते, यू वुड हैव गॉट अ बेटर प्रोडक्ट, राइट। सो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो यू हैव बीन इनटू लॉसेस, ठीक है। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 1, रीड द एग्जांपल, और मैं आपको ऑलरेडी कंक्लूजन बता देती हूं। यहां पर सीधे सीधे शब्दों में लिखा है कि ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये फ्रॉड नहीं है, तो आप मुझे बताओ ये क्यों नहीं है? सो दिस इज नॉट फ्रॉड बिकॉज यहाँ पर कौन सा डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एमटर, व्हिच सेज दैट व्हेन यू आर परचेसिंग स्पेशली लाइफ स्टॉक। वहां पर भी हॉर्सेस का एग्जाम्पल था क्या या डोंकीज का था? पढ़ लो डोंकीज, रीड। सो डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एमटर सेज दैट व्हेन यू आर परचेसिंग लाइफ स्टॉक, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर to do a medical examination. अगर सेलर छुपा भी रहा है और बाद में बायर को पता चलता है after purchase, he cannot blame the seller, ठीक है, क्योंकि किसकी responsibility थी? बायर की, ठीक है। तो this is example 1. इसमें हमने क्या पढ़ा? That example which is not a fraud, ठीक है। अब इससे related example आता है, example number 3. Read example number 3 now. So example number 3, B says to A, देखो यहां पर ना बायर खुद से होके बोल रहा है कि लिसन, अगर तू मना नहीं करता है तो मैं इसे अज्यूम कर रहा हूं दैट योर हॉर्स इज इन अ गुड मेंटल स्टेट। ये बायर खुद से बोलता है, वो बोल रहा है कि लिसन, टेल मी वन थिंग, इज योर बायर इन अ मेंटल स्टेट? एंड इफ यू डू नॉट स्पीक एनीथिंग, तो मैं इसे अज्यूम कर लूंगा दैट यस ही इज इन अ मेंटल स्टेट। ये बायर खुद से बोल भी रहा है, उससे इनडायरेक्टली पूछ भी रहा है, बट ये बोलने के बाद अगर सेलर फिर भी चुप होता है, ए सेज नथिंग, ठीक है, यहां पर मैंने, सॉरी, आई एम द सेलर, यू आर द बायर, ठीक है,
आपने मुझसे स्पेसिफिकली पूछा कि लिसन इज योर सेलर इन अ मेंटल स्टेट, ठीक है, और अगर तू कुछ नहीं बोलेगी ना तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि ओके ओके ही इज इन अ गुड मेंटल स्टेट, या आपने मैं आप ये सब मुझे बोल रहे हो, उसके बाद भी इफ आई एम साइलेंट तो फिर मेरा साइलेंस स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला तो इसको हम फ्रॉड कंसिडर करेंगे. क्यों? क्योंकि आपने आप यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझसे पूछा है. सो वेन यू आस्क मी स्पेसिफिकली देन आई एम बाउंड टू टेल यू, देन आई एम बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफॉल्ट. फिर यहाँ पर केवी अटेम्प्टर नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायर ने पूछा है स्पेसिफिकली दैट इज योर हॉर्स इन अ मेंटल स्टेट एंड इफ यू डू नॉट डिनाई आई विल अज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड. पढ़ो वो सेंटेंस जो उसने बोला है. उसके बाद भी अगर सेलर कुछ नहीं बोलता है, साइलेंस इक्विवेलेंस टू स्पीच, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेज, वे साइलेंस इक्विवेलेंस टू स्पीच, तो इसको हम फ्रॉड कंसिडर करेंगे, क्योंकि फिर परचेस करने के बाद बायर उसको बोलेगा कि मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था कि क्या तेरा हॉर्स मेंटल स्टेट में है, पर तूने तो कुछ नहीं बोला था, तो इसको हम फ्रॉड में कंसिडर करेंगे. फिर उस केस में बायर क्या करेगा, बायर वापस से हॉर्स ट्रांसफर कर देगा सेलर को एंड सेलर विल रिफंड हिम, ठीक है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. सो यू सी एग्जाम्पल वन में बायर ने ऐसे कुछ स्पेसिफिकली पूछा था क्या, नहीं, पर एग्जाम्पल थ्री में बायर जहां स्पेसिफिकली पूछता है फिर उस केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, देन सेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफॉल्ट, ठीक है. सो एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल थ्री कनेक्शन में पढ़ना, एग्जाम्पल वन फ्रॉड नहीं है, एग्जाम्पल थ्री फ्रॉड है, ठीक है. एग्जाम्पल टू को कट कर लो, रीड एग्जाम्पल नंबर फोर एंड देखो अभी आपको समझता है क्या. ओके, सो द मेजोरिटी सेज कि इसको हम फ्रॉड मानेंगे, ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना, ओके, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, यू एक्सप्लेन मी. अब ना मैं जाती हूँ गोल्ड स्मिथ के पास टू परचेज गोल्ड के बिस्किट्स, ठीक है. अब गोल्ड का प्राइस चल रहा है, मेरे को पता नहीं है, मैं सिर्फ लिख रही हूँ, गोल्ड का प्राइस चल रहा है 70,000, ठीक है, मला माहित नाही, मी काय पण लिहितीस, ठीक है, इट इज 70,000. अब ना ये गोल्डस्मिथ को पता है कि कल ना ये गोल्ड के प्राइसेस ना 65 होने वाले हैं, तो सेलर बेवकूफ है क्या कि वो बायर को बताएगा कि सुन आज मत खरीद कल खरीदना. इज ही मैड, इज द सेलर मैड, या आप कोई सेलर के पास जाते तो वो आपको ऐसे एडवाइस करता है क्या, आज क्यों खरीद रहा है, अरे पागल है क्या, कल खरीदना 5,000 बच जाएंगे तेरे, बोलता है क्या वो अपने रिलेटिव्स होते हैं और वो भी अच्छे वाले. तो इसलिए मैंने आपको गोल्डस्मिथ का एग्जांपल दिया. डज द सेलर इन्फॉर्म यू व्हाई आर यू परचेसिंग टुडे, अरे परचेस टुमारो, परसों, गोल्ड के प्राइसेस ना कम होने वाले हैं, मुझे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मिली है, बोलते हैं क्या आपको, तो ये फ्रॉड होगा क्या? अगर ये होगा तो फिर आप यू कैन स्यू ऑल द सेलर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सो दिस इज नॉट फ्रॉड. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, कि इवन दो ही हैज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन क्या वो डिस्क्लोज करेगा, तो प्रैक्टिकलिटी समझो, ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं करेगा, अगर करेगा तो बिजनेस चलाने का फायदा क्या हुआ, ठीक है, सो दिस इज नॉट फ्रॉड. लिख लो यहाँ पर, लास्ट लाइन लिखी भी हुई है, ए इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी, तभी भी बोल रहे हो फ्रॉड है, लिखो यहाँ पर दिस इज नॉट फ्रॉड. चलो कम टू दिस एग्जाम्पल. अच्छा इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पर में पिग्स दिए थे, राइट, और मैं हॉर्स बोल रही थी, तुम भी हॉर्स बोल रहे हो, सच में डोंकीज हो, पढ़ो. रीड दिस एग्जाम्पल पिग्स वाला. अब समझ आ रहा है कि फ्रॉड क्यों नहीं होगा. ये यहां पर भी पिग्स वर सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या सेलर ने बताया,
नहीं राइट, इज इट बाउंड टू डिस्क्लोज, द आंसर इज नो. यहाँ पर लाइफ स्टॉक में यूजली केवे टेम्प्टर अप्लाई होता है. ठीक है, आफ्टर रीडिंग दिस एग्जाम्पल इसका कंटेंट पढ़ो. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, कर लो यहाँ पर स्टार मार्क, राइट डाउन 2 मार्क्स. तो क्या ये आपको इतना इंट्रोडक्शन लिखना है, एंड यू हैव टू गिव दिस एग्जाम्पल. नाउ रीड द कंटेंट क्विकली. हाँ हाँ नहीं मिलेंगे. KVA tempter, that is let the purchaser be aware, is the rule applicable. There is no duty to speak in such cases and silence does not amount to fraud. ठीक है, I would in fact tell you कि इसको example 1 लिखो और ये जो ऊपर हमने पढ़ा ना trader वाला, इसको example 2 लिखो. दोनों भी fraud नहीं है और दोनों में silent था seller. ठीक है, कम टू द इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड, रीड द इफेक्ट्स. बिफोर रीडिंग दीज इफेक्ट्स आपको एक अजम्पशन करना है. सपोजिटली हम किसकी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि ये फ्रॉड है, जहां पर बायर ने खुद से पूछा था कि लिसन आई योर हॉर्स इज फाइन, आई योर हॉर्स इज साउंड माइंड, पर फिर भी सेलर ने कुछ नहीं बोला, तो ये फ्रॉड माना जाएगा. जहां पर बायर स्पेसिफिकली पूछता है, ठीक है, तो दिस इज फ्रॉड. अब ये एग्जांपल को कंसिडर करते हुए रीड द इफेक्ट्स, कि अभी फ्रॉड कर लिया मैंने और आपने भी परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद आपको पता चलता है कि अरे द हॉर्सेज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो क्या क्या करोगे फिर, यू विल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. देखो वही लिखा है, ही कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट. ही मतलब कौन, सेलर या बायर? बायर रिसेंड करेगा ना. रे बाबा हू विल रिसेंड, बायर विल रिसेंड ना. तो बायर रिसेंड मतलब क्या, कैंसिल. ही विल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो डैमेजेस भी क्लेम करेगा, राइट. उसका तो नुकसान हो गया. इसको रेमेडीज में आप लिख सकते हो, फॉलोइंग आर द रेमेडीज. ये रेमेडीज किसके लिए है, बायर के लिए या सेलर के लिए? These remedies are for the buyer, क्योंकि नुकसान किसका हुआ है, बायर का हुआ है. तो वो कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, डैमेजेस क्लेम करेगा. थर्ड पॉइंट पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है. सुनो what does the third point say. अब बायर के पास कौन से हॉर्सेज हैं जो अनसाउंड माइंड के हैं, ठीक है. वो सेलर को जाके कन्फ्रंट करता है, वो बोलता है that before purchasing मैंने तो तुझसे specifically पूछा था, but still you did not say anything. तो you did not say anything, तो मैंने तुझसे horses purchase कर लिए, अब तूने तो fraud किया है, ठीक है. तो अब यहाँ पर है seller, यहाँ पर है buyer, ठीक है. तो buyer क्या कहता है, अब सुन, मैंने तुझे prices, horses का price already pay कर दिया है. Now you take back the horses which are of unsound mind and you give me horses which are of sound mind. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसे वापस कर रहा है क्या, वो पैसे मांग रहा है क्या बायर. बायर क्या बोलता है, पैसे मैंने तुझे ऑलरेडी पे कर लिए, अब जो तूने मुझे अनसाउंड वाले हॉर्सेस बेचे हैं, यू टेक दोज बैक एंड यू गिव मी दोज हॉर्सेस विच आर ऑफ साउंड माइंड. तो यहाँ पर क्या लिखा है, ही कैन इंसिस्ट. ही मतलब कौन, अगेन बायर. ही कैन इंसिस्ट मतलब क्या, रिक्वेस्ट करेगा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस क्या था, दैट यू सेल मी साउंड हॉर्सेस, आई विल पे यू मनी. अब बायर ने पैसे तो पे कर लिए हैं, पर उसको हॉर्सेस साउंड माइंड वाले मिले हैं क्या, नहीं, अनसाउंड माइंड वाले मिले. तो वो क्या बोलेगा, ही विल इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो पहले डिसाइड हुआ था, कि नाउ यू सेल मी साउंड माइंड के हॉर्सेस, ठीक है. क्योंकि हमारा प्रॉमिस किस पर बेस्ड था, दैट यू विल गिव मी साउंड माइंड के हॉर्सेस, आई विल पे यू मनी. मैंने अपने तरफ के प्रोमिसेस फुलफिल कर लिए, आई गेव यू कंसिडरेशन, बट डिड यू गिव मी साउंड माइंड के हॉर्सेस, द आंसर इज नो. तूने मुझे कौन से हॉर्सेस बेचे, जो अनसाउंड के थे. नाउ डू वन थिंग, टेक बैक योर हॉर्सेस एंड गिव मी दोज हॉर्सेस विच आर ऑफ साउंड माइंड, ठीक है. तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी नहीं करोगे, आप डैमेजेस भी क्लेम नहीं करोगे, आप इनफैक्ट क्या बोल रहे हो, आप रिक्वेस्ट करते हो कि लेट अस परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू मनी, यू गिव मी साउंड माइंड के हॉर्सेस, ठीक है.
Now read all the effects together. So over here we have studied साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. नाउ वी आर स्टडिंग साइलेंस इज फ्रॉड. ठीक है, कौन से केसेस में तुम्हारा साइलेंट को फ्रॉड माना जाएगा. ठीक है, ये अभी हमको पढ़ना है. ओके, देर आर सम फाइव टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर इफ यू रिमेन साइलेंट उसको फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, क्विकली कम टू द फर्स्ट वन, फिजुशरी रिलेशनशिप. कल ही पढ़ा था कि हमने फिजुशरी रिलेशन, इट इज अ रिलेशन विच इज बेस्ड ऑन डैश एंड डैश. फिजुशरी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. ठीक है, टीएनसी. ठीक है, पढ़ो इसमें. यूर द पर्सन इन होम कॉन्फिडेंस इज रिपोस्ट इज अंडर अ ड्यूटी टू एक्ट विद अटमोस्ट गुड फेथ एंड मेक फुल डिस्क्लोजर. Come to the example. A broker was asked to buy shares for the client. ठीक है, supposedly मैंने एक broker को appoint किया है और मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे लिए shares खरीदो. ठीक है, he sold his own shares without disclosing the fact. The client was entitled to avoid the contract. मतलब क्या, मैंने ना अपने broker को बोला कि सुनो मेरे लिए ना ये company के shares खरीद लो. ठीक है, मैं खरीद रही हूँ क्या, नहीं, मेरे बदले कौन खरीद रहा है, broker. Broker कौन होता है, He is my agent. ठीक है, मैंने उसको instructions दिए that on my name purchase so so company के so so shares. ठीक है, उसने क्या किया, उसको क्या करना चाहिए था, उसको market से उठा के मेरे account में transfer करना चाहिए था. मेरा कौन सा account, demat account, right? उसने क्या किया, he did not purchase it from the market, बस उसने खुद के shares sell करके मेरे account में transfer कर दिए और ये बात उसने मुझे नहीं बताई. यहाँ पर जो रिलेशन मेरा और मेरे ब्रोकर का है, दैट इज बेस्ड ऑन फिजुशरी रिलेशनशिप, दैट इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. व्हाट आई आस्क्ड हिम, दैट परचेज इट फ्रॉम द मार्केट एंड देन गिव इट टू मी. उसने मार्केट में से परचेज नहीं किए, उसने अपने जो उसके पर्सनल नाम पे जो शेयर्स थे उसने वो सेल करके उसने मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. अब देखो यार, मुझे तो शेयर से लेना देना है, वो अपने बेचे या वो मार्केट से उठाए, राइट? पर यहाँ पर बात क्या हो गई ना, उसने मुझे ये चीज नहीं बताई. He did not tell me that I have sold my own shares and I have transferred it to you. He did not tell me. मतलब he remained silent. This will amount to fraud. ठीक है? This is point number one. देखो यहाँ पर clear cut लिखा है. The relation between broker and the client was a relationship of utmost good faith. ठीक है? तो यहाँ पर उसकी duty थी मुझे बताना. But he did not disclose the fact. ठीक है? So this relation is based on trust and confidence. इसलिए यहाँ पर full disclosure expect किया जाता है. मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो मुझे बताए, बट उसने क्या बताया, द आंसर इज नो. तो यहाँ पर ही रिमेन साइलेंट और हम पढ़ क्या रहे हैं, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल वेयर साइलेंट विल अमाउंट टू फ्रॉड. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. जब आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ बताना पड़ता है, दैट व्हाट आर यू सफरिंग फ्रॉम, क्या आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या जो भी है, यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर वगैरह, कुछ भी आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, अब सपोज इटली इंश्योरेंस कंपनी आपका फॉर्म भरते वक्त आपको पूछती है आर यू सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, तो यू रिमेन साइलेंट, बट एक्चुअली में यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर. आपने ये चीज उनको नहीं बताई, राइट? तो आपका अब इंश्योरेंस तो हो चुका है, वो उन्होंने फॉर्म भर के सब कुछ क्लियर कर दिया है. आफ्टर हो सकता है उनको कुछ टाइम के बाद पता चले कि आपने एक बात छुपाई थी, और वो कौन सी बात थी, दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर. व्हाट विल दे डू, दे विल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जब आप कोई इंश्योरेंस लेते हो, फिर वो चाहे व्हीकल इंश्योरेंस हो, तो आपको व्हीकल के बारे में सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, यू हैव टू डिस्क्लोज अबाउट एवरीथिंग अबाउट योर बॉडी, कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, व्हाट आर यू सफरिंग, आपका हिस्ट्री क्या था, राइट? मेडिकल हिस्ट्री क्या था, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल दोस थिंग्स. पर अगर आप चुप रहते हो, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हो, और उनको अगर बाद में जाके पता चलता है, देन दे विल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? बिकॉज अगेन साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. ठीक है, रीड क्या लिखा है, In contract of marine, fire or life insurance, there is an implied condition that full disclosure of facts shall be made. So if I'm suffering from cancer, to mujhe batana padega. Otherwise, the insurer is entitled to avoid the contract. Fir wo contract ko cancel kar denge.
तो जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो, यहाँ पर तीनों इंश्योरेंस इंक्लूड की गई है, मरीन, फायर एंड लाइफ। तो अगर आप मरीन इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको अपने शिप के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, लाइफ के बारे में ले रहे हो तो आपके बारे में व्हाट आर यू सफरिंग, मेडिकल हिस्ट्री, एक्स वाई जेड, एवरीथिंग। एंड सेम अप्लाइज फॉर फायर। फायर इंश्योरेंस कब लेते हो? जब आपका कोई वेयर हाउस है और आपने अपने गुड्स स्टोर किए गए हैं, है ना, सो यू आर अफ्रेड कि कल को जाकर अगर फायर अकर हो जाता है तो मेरा तो पूरा नुकसान हो जाएगा, सो इन दैट केसेस यू टेक फायर इंश्योरेंस। ठीक है, सो एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस फुल डिस्क्लोजर इज एक्सपेक्टेड। अगर आपने कुछ छुपाई, अगर आपने एक्टिव कंसीलमेंट किया तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल थ्री, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। एवरी फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। आपने वो मूवी देखी है बाला, उसमें उसने छुपाया, then later she sued him in the court और मैरिज डिजोल्व हो गई, राइट। इसमें भी सेम चीज है, अगर आप शादी कर रहे हो, इफ यू आर गेटिंग मैरिड, यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। कल को जाके दे कैन ब्लेम यू कि शादी के पहले क्यों नहीं बताया, राइट, विच इज मैक्सिमम इन मोस्ट मैरिजेस। या इट इज नॉट ओनली मुस्लिम मैरिज, क्योंकि उसमें तो एक्चुअली में रिटन में होता है, यू मेक अ सिग्नेचर वगैरह, राइट। एवरी शादी के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड में जो आपकी सरनेम होती है वो चेंज हो जाती है। इन माई कास्ट हमारा नाम भी चेंज हो जाता है, सो देयर इज दिस थिंग। जब मैरिज शादी हो जाती है ना, यू हैव टू गो टू अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। हमारे कास्ट में होता है, फर्स्ट नेम, सरनेम तो ऑब्वियसली। जब शादी होती है ना तो एक लेटर निकाला जाता है, जैसे छोटे बच्चों का क्या होता है, वो सिक्स्थ डे पे उनका नाम निकाला जाता है, राइट, छोटे बच्चों का। तो वैसे इन माय कास्ट दिस, ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि सपोजिटली वहां पर वो शादी में सात फेरे होते हैं, ठीक है, अगर हम गुरुद्वारे में करते हैं तो चार फेरे होते हैं, ठीक है। सो डिपेंड कर रहा है वेर यू वॉन्ट टू गेट मैरिड। सो शादी में ही अगर सपोज माई हस्बैंड का नाम इज समथिंग, वॉट एवर इट इज, तो अब मेरा नाम के से स्टार्ट होता है, तो अगर के फिट बैठता है विद दैट लेटर तो ठीक है, बट इफ इट नीड्स टू बी चेंज तो वहां पर वो जो महाराज है वो एक लेटर बताएगा, फिर वो लेटर पे सारे लोग वहां पर सजेस्ट करते हैं, फिर दैट नेम इज केप्ट। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, सो नॉट ओनली द सरनेम बट ऑल्सो द नेम चेंजेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जो मेरा इनिशियल है और जो उसका इनिशियल होगा, इफ दिस मैचेस, वो कुछ मैच करवाते हैं उस हिसाब से, तो ठीक है, तो फिर केस से तो जो नाम है वही कंटिन्यू होगा, बट इफ दिस इनिशियल नीड्स टू बी चेंज तो फिर एक प्रॉपर नया नाम रखा जाता है। सो फॉर अस, फॉर लाइक माय मदर आल्सो, फर्स्ट इट वाज लक्ष्मी, नाउ इट इज सपना, तो वो चेंज होता है, सो नॉट ओनली द सरनेम बट ऑल्सो द फर्स्ट नेम। हाँ, बट लाइक माई मदर के जो मायके वाले हैं वो तो मम्मी को उसी नाम से बुलाते हैं, बट जो ससुराल वाले हैं फिर दे कॉल इट विद द न्यू नेम, सिंधी। बट आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड वी फॉलो मेजर पंजाबी कल्चर, हम शादी भी गुरुद्वारे में करते हैं इफ वी वॉन्ट टू। चलो, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, ठीक है। इसमें भी वो बाला मूवी में ही डिड नॉट डिस्क्लोज, राइट, तो उसके बाद वो उसने स्यू कर दिया था और फिर मैरिज डिसॉल्व हो गई थी, राइट, देन देयर वाज अ सेपरेशन। तो यहाँ पर उसने नहीं बताया, दैट मींस उसने कंसील किया, ही रिमेन साइलेंट, ठीक है। लास्ट वन, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो, what is a prospectus, do you know what is a prospectus, what is a prospectus, tell me। Point number E, share allotment contract, wo bhai kya matlab usse aisa kya hai, kya bolte hai aisa return hota hai na, who's done SP? Yeah, SP?
रियली? अरे बाप रे, क्या मां अभी अभी पता चल रहा है। हां यू हैव डन एसपी, यू पीपल, सिर्फ तुमने किया है और तुमने, यू हैव आल्सो डन एसपी, यू हैव आल्सो डन एसपी, बताओ ना फिर क्या होता है प्रोस्पेक्टस? ऑब्वियसली पढ़ा होगा 12th में। सुनो जब कंपनी, आए सुनो रे, जब कंपनी शेयर्स दे रही है ना पब्लिक को, तो वो क्या ऐसे माइक पर जाके बोलेगी कि सुनो सुनो? नहीं ना, तो वो क्या करती है, कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट अ बुकलेट, इट इज अ बुकलेट इनवाइटिंग पीपल टू इन्वेस्ट इन योर ओन कंपनी। तो ये प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में आज कंपनी क्या कर रही है, पास्ट में वो कौन से प्रोजेक्ट्स कर चुकी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वो सारे लिखती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सपोजिटली मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पास्ट में मैंने ये लिखा, प्रेजेंट में मैंने ये लिखा, फ्यूचर में मैं ये लिखती हूँ दैट यू नो माई कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन सो 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 सो, मैं बहुत बड़ा चढ़ा के लिखती हूँ कि हमारा फ्यूचर तो एकदम ब्राइट है, हमको तो अभी से दिख रहा है। ठीक है, तो ये पढ़ के आप लोग क्या सोचोगे कि अच्छा कंपनी इज गोइंग टू डू सो मच, सो लेट अस इन्वेस्ट, है ना, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्ट करने के बाद हम ये फ्यूचर, ये जो फ्यूचर है जो भी हम करने वाले हैं, हम उसमें से कुछ भी नहीं करते, तो आपका तो नुकसान हो गया। व्हाई डिड यू इन्वेस्ट इन माय कंपनी आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस? तो प्रोस्पेक्टस में मैंने झूठ लिखा है, राइट, जो मैंने आपको बोला है कि फ्यूचर में आई एम गोइंग टू, माय कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट, इट इज गोइंग टू टेक अप सो सो प्रोजेक्ट सो ऑन, वो कुछ भी नहीं करती है कंपनी, तो आपका तो नुकसान हो गया। क्या आपको गुड रिटर्न्स मिलेंगे? आंसर इज नो। पढ़ो अब, अ पर्सन इशूइंग प्रोस्पेक्टस एट द टाइम ऑफ पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी हैव टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स विद इन देयर नॉलेज। मतलब क्या, मेरी कंपनी सपोजिटली, ये जो पास्ट है, मेरी कंपनी पांच साल से नुकसान में जा रही है, बट ये बात मैंने डिस्क्लोज ही नहीं की प्रोस्पेक्टिस में, तो यहाँ पर मैंने अगेन कंसील किया, तो इसको फ्रॉड माना जाएगा। यहाँ पर मैंने पास्ट में इंक्लूड नहीं किया है दैट माई कंपनी इज गोइंग इन टू लॉसेज, मतलब मैंने बात छुपाई, मतलब आई रिमेन साइलेंट, तो इसको भी फ्रॉड माना जाएगा। सो अगेन पॉइंट ई स्पीक्स वेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो देखो हर पॉइंट में, यहाँ पर पांचों के पांचों पॉइंट में आपको ये लिखा होगा कि आपको फुल डिस्क्लोजर करना है, अगर आप नहीं करते हो तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर टू पढ़ो। देखो रीड पॉइंट नंबर टू, मुझे बताओ इसको एक्सप्लेन करने की वापस से जरूरत है क्या? वेयर द बायर स्पेसिफिकली सेज कि लिसन आई योर हॉर्सेस ऑफ साउंड माइंड, यहाँ पर बायर स्पेसिफिकली पूछ रहा है, तो उसके बाद भी इफ द सेलर रिमेन साइलेंट तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच, अगर आप चुप बैठते हो तो उसको कंसिडर किया जाएगा, वेयर साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच। मैं आपको यहाँ पर पूछ रही हूँ लिसन आई योर हॉर्सेस ऑफ साउंड माइंड, उसके बाद आप चुप हो तो मैं अज्यूम कर लूंगी ठीक है, अगर कुछ नहीं बोल रहा है मतलब ठीक है साउंड माइंड के ही होंगे। ठीक है, सो वेयर द बायर स्पेसिफिकली आस्क्स, वहां पर केवी टेम्पटर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहां पर मैंने आपसे पूछा, चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 26। नहीं मेरे को ये बेटर लगता, चलो राइट डाउन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन पढ़ू क्या, सबको समझा है पक्का? चलो लिखो, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ ICA, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ ICA comma 1872, according to section 17 of ICA comma 1872, mere silence as to facts, mere silence as to facts likely to affect, mere silence as to facts likely to affect
likely to affect the willingness. Mere silence as to facts likely to affect the willingness, likely to affect the willingness of a person, of a person to enter into a contract. Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless not fraud ke baad full stop mat dalna, comma dalna, kyunki aage sentence continue ho raha hai. Is not fraud, comma, unless the circumstances of the case are such that, comma, unless the circumstances of the case are such that, comma, it is the duty of the person, unless the circumstances of the case are such that, comma, it is the duty of the person keeping silence to speak, unless it is the duty of the person keeping silence to speak. Okay, I'll repeat the introduction again. According to section 17 of ICA, 1872, mere silence as to the facts likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not fraud, comma, unless the circumstances of the case are such that it is the duty of the person keeping silence to speak. Okay, next line par likho, hence, comma, in the instant case, now write down on the next line, point one matlab kya, ye first case ki baat kar rahe hain, theek hai. First wala fraud hai ya nahi hai? Nahi hai, right? Likho, this contract is valid. Fraud nahi hai matlab contract valid hoga, right? This contract is valid since as per section 17, thoda sa repetition hai, par likh lo. Since as per section 17, mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. I'll repeat the point again. This contract is valid since as per section 17, mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. Full stop. Here, comma, it is not the duty of the seller. Here, it is not the duty
of the seller to disclose the defects, full stop. Hence, in the first instance, there is no fraud. As doctrine of caveat emptor is applicable. First point repeat कर रही हूँ. This contract is valid since as per section 17, mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. Full stop. Here, comma, it is not the duty of the seller to disclose the defects. फिर क्या लिखा है? In the instant case, there is no fraud as doctrine of caveat emptor is applicable. ठीक है? This is point number one. थोड़ी सी space दो and write down point number two. ये पॉइंट बी फ्रॉड है, राइट? सेकंड केस फ्रॉड है. राइट डाउन, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. एक सेकेंड सिर्फ रुको, एक सेकेंड. हाँ, राइट डाउन पॉइंट नंबर टू. क्या लिखा है? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड सिंस एज पर सेक्शन 17 P's silence is, this contract is not valid since as per section 17, since as per section 17, P's silence is equivalent to speech. And hence amounts to fraud. क्या लिखा है पॉइंट टू? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड सिंस एज पर सेक्शन 17 पीस साइलेंस इज इक्वेलेंट टू स्पीच एंड हेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड. ठीक है, लिखा, बस दैट्स इट फॉर पॉइंट टू. Does and hence, yeah, because both are conclusion wale starting ke words na, right? So aap use kar sakte ho dono ko interchangeably. हाँ, therefore जो मतलब वो थोड़ा ये theorem में हम लिखते थे, इसमें भी लिख सकते हो, no issues with that also. क्या बस कशल ना और आधा घंटा है? हाँ, तुमको मराठी नहीं आती? Sala, come to the last topic of this chapter, misrepresentation. Section 18. कोई गेस कर सकते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? So what is misrepresentation? It means wrong facts are stated. Now who states the wrong facts? The seller, correct? Seller ने buyer को कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो कि गलत है. Now my question is, then what is the difference between misrepresentation and fraud? Fraud में भी यही था, seller झूठ बोलता है या तो seller conceal करता है. ठीक है, यहाँ पर भी misrepresentation में हम यही पढ़ने वाले हैं कि seller झूठ बोल रहा है. Mistake or fraud may be intentional.
वेरी गुड. सो व्हाट इज फ्रॉड बेसिकली, यहाँ पर मैं लिखती हूँ दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन. फ्रॉड में भी मैं सेम चीज लिख रही हूँ, सेलर है बायर है, सेलर इसको क्या बोलता है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है. डिफरेंस सुनो, फ्रॉड में सेलर को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन में सेलर को नहीं पता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसको जो लगता है वो वही बोलता है, फिर उसकी इंफॉर्मेशन गलत होती है. गेटिंग मी? सेलर थिंग्स दैट व्हाटएवर ही स्पीकिंग आउट ऑफ हिज माउथ इज ट्रू, बट एक्चुअली में वो क्या होता है, फॉल्स. फ्रॉड में तो सेलर को पता होता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन में सेलर को नहीं पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सेलर वही बोलता है जो उसको लगता है, पर एक्चुअली में वो गलत प्रूव होता है. दिस इज व्हाट मिसरिप्रेजेंटेशन. मतलब क्या, supposedly I am giving you some product का description, misrepresentation is done by mistake, ये भी लिख सकते हो, done by mistake, यहां पर लिखो done intentionally. फ्रॉड अगर मैं कर रही हूं तो मैं चाहती हूं कि बायर का नुकसान हो जाए, पर जब मैं मिस रिप्रेजेंटेशन करती हूं तो मेरा कोई ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि बायर का नुकसान हो जाए, वो पर उसका नुकसान हो जाता है. गेटिंग मी? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड द इंटेंशन. फ्रॉड में सेलर इंटेंशनली झूठ बोलता है सो दैट इसका नुकसान हो. मिस रिप्रेजेंटेशन में ये झूठ तो बोल रहा है पर इसको नहीं पता कि ये झूठ बोल रहा है. Getting me? Seller thinks that whatever he is speaking out of his mouth is true, but actually में वो गलत प्रूव होता है, पर बायर का तो नुकसान हो रहा है. तो कैन आई से फ्रॉड हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो, बायर का नुकसान इज फिक्स्ड. यहाँ पर बायर का जो नुकसान हुआ है, सेलर ने उसको पर्पसली नुकसान उसका करवाया है. यहाँ पर सेलर का कोई ऑब्जेक्टिव है क्या कि बायर का नुकसान हो, पर फिर भी हो जाता है. सो इन शॉर्ट अगर मैं एक ओवरव्यू देती हूँ आपको, वॉट इज द डिफरेंस, द पार्ट ऑफ इंटेंशन. फ्रॉड में सेलर चाहता है, सेलर को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, यहाँ पर उसको पता नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, उसको भी जो लगता है वो वही बताता है, पर एक्चुअली में कुछ गलत प्रूव होता है. कैसे प्रूव होगा, सो ऑन, वी विल डू विद द एग्जांपल्स. बस एक ओवरव्यू सुन लो कि मिस रिप्रेजेंटेशन में सेलर का कोई इंटेंशन नहीं होता है टू डिसीव द अदर, बट फिर भी बायर का नुकसान तो हो ही जाता है. ठीक है, चलो कम टू द नाउ कंटेंट. रीड एग्जाम्पल नंबर टू पहले. कंडीशन, द स्टेटमेंट विच ए हैज मेड दैट माई मोटरसाइकिल इज इन एक्सेलेंट कंडीशन, इसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड करेंगे. ठीक है, अब ए ने इसको पर्पस में बोला क्या, दैट माई इंजन इज इन एक्सेलेंट कंडीशन, नहीं, उसको जो लगा उसने वो बोला, पर रियलिटी में क्या प्रूव हुआ, रियलिटी वॉज it proved to be defective, correct? Misrepresentation में उसने बोला क्या, it is actually in a good condition, पर क्या वो good condition में prove हुई, the answer is no. पर यहाँ पर seller ने इसको false information दी है, पर क्या seller ने इसको purposely false information दी है, नहीं, seller को जो भी लगा उसने वो कहा, पर reality में it proved to be defective, तो यहाँ पर buyer का तो नुकसान हो गया. What are we understanding, कि जो statement seller ने कहा है ना, क्या वो fraud है या क्या वो misrepresentation, बस आपको इतना classify करना है. तो ये फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वन वर्ड विच इज गिवन, ए बिलीव्ड. तो जब वो बिलीव करता है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, ऑल्दो वो आगे चल के झूठा प्रूव हुआ, जो उसने स्टेटमेंट कहा दैट प्रूव टू बी फॉल्स. बट हाउ टू क्लासिफाई वेदर इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन और वेदर इट इज फ्रॉड, जब सेलर पर्पसली इंटेंशनली झूठ बोलता है दैट इज फ्रॉड. यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या उसने इंटेंशनली कहा कुछ, आंसर इज नो. ठीक है, ऑल्दो बायर का नुकसान हो गया दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट क्या उसने इंटेंशनली झूठ बोला, नहीं. ठीक है, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन. कम टू द एनालिसिस ऑफ सेक्शन 18. नाउ अगर आपको मिसरिप्रेजेंटेशन आता है, ईदर राइट दीज थ्री पॉइंट्स और ईदर राइट दीज थ्री पॉइंट्स, दोनों तीनों सिमिलर है. ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू गो विद द एनालिसिस. Read one by one.
जो सेलर ने स्टेटमेंट दिया है वो एक्चुअली में तो फॉल्स है, करेक्ट। यहाँ पर देखो आप, पहले आप जस्ट सी व्हाट आर माय अंडरलाइनिंग, तो आपको अच्छे से समझेगा। मैंने आई एम द सेलर, आई टेल यू दैट माय मोटरसाइकिल इज इन एक्सेलेंट कंडीशन, तो मैंने जो आपको स्टेटमेंट बोला है वो फॉल्स है ना, एक्चुअली में रियलिटी में तो फॉल्स है, बट मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू, बट मुझे तो लगता है ना कि एक्सेलेंट कंडीशन में, सो आई एम द मेकर ऑफ द सेंटेंस, मेकर ऑफ द स्टेटमेंट। तो क्या लिखा है, जो स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ वो फॉल्स है, पर मुझे क्या लगता है, मुझे वो ट्रू लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट एक्चुअली में फॉल्स है पर मुझे तो ट्रू लगता है, राइट। सो क्या लिखा है, मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ये इंपॉर्टेंट है। एक ही स्टेटमेंट में फॉल्स भी लिखा है, एक ही स्टेटमेंट में ट्रू भी लिखा है, वो समझना है कि फॉल्स कौन सा है, ट्रू क्या है। फॉल्स रियलिटी है, ट्रू सेलर को लगता है इसलिए वो कह रहा है, ठीक है। अच्छा, बट मेरे तरफ से तो ब्रीच हो गया ना, आई ब्रीच्ड, मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी, पर्पसली दी क्या गलत इंफॉर्मेशन, नहीं ना, पर ब्रीच तो हो गया, पर्पसली दू या ना दू, ब्रीच तो हो गया ना। व्हाट इज ब्रीच, जो प्रॉमिस किया था कि एक्सेलेंट कंडीशन में दूंगी मोटरसाइकिल, वो तो ब्रीच हो गया, आई डिड नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस, ठीक है। सो देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय द पर्सन, बट इंटेंशन था क्या, मेरा इंटेंशन था क्या कि आपको नुकसान पहुंचे, नहीं। ये इंटेंशन के ऊपर ही देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। कैसे क्लासिफाई करोगे, विद द वर्ड इंटेंशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में सेलर का इंटेंशन नहीं होता है बायर को नुकसान पहुंचाना, पर नुकसान पहुंच जाता है। फ्रॉड में सेलर का इंटेंशन ही होता है कि बायर का नुकसान हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ पार्टी कॉजेस इवन दो डन इनोसेंटली, यहाँ पर मैंने आपको जो कहा है दैट माय मोटरसाइकिल इज इन एक्सेलेंट कंडीशन, ये मैंने आपको इनोसेंटली कहा है, क्या मेरा कोई पर्पस था कि आपको नुकसान पहुंचे, इसलिए वर्ड इनोसेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो रीड एग्जाम्पल वन ऑल्सो क्विकली, देखो आपको अभी समझ रहा है क्या। अब सुनो, एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको कैसे समराइज करना है। ए टेल्स बी, ए क्या बोलता है बी को, कि ये कंपनी का ना डायरेक्टर सी बनने वाला है, ठीक है। मैंने आपको कहा, आई टेल हिम दैट आयुषा इज गोइंग टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये मैंने किसको बोला, ए टेल्स बी, ठीक है, क्या बोलता है, दैट सी इज गोइंग टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये जानने के बाद व्हाट हैपेंड, बी अप्लाइड फॉर द शेयर्स। अब सुनो, हो सकता है कि ये जो बी है ना, इसको ना सी के ऊपर बहुत भरोसा है कि अगर सी डायरेक्टर बन जाता है ना, तो ये कंपनी को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में लेके जाएगा, ठीक है। तो व्हेन ही गॉट टू नो दैट सी इज गोइंग टू बी द डायरेक्टर, बी ने क्या किया, बी क्विकली इन्वेस्टेड, बी बॉट द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। बी ने शेयर्स क्यों खरीदे, क्योंकि ए ने इसको बोला कि सी डायरेक्टर बनने वाला है, ठीक है। तो बी को सपोजिटली सी के ऊपर बहुत भरोसा है दैट इफ ही बिकम्स अ डायरेक्टर, ही इज गोइंग टू टेक द कंपनी ह्यूज प्रॉफिट्स, ठीक है। तो व्हाट बी डिड, बी अप्लाइड फॉर द शेयर्स ऑन द फेथ ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। बट क्या सी डायरेक्टर बना, द आंसर इज नो, सी डिड नॉट बिकम द डायरेक्टर। कहां से पता चला हमको, द स्टेटमेंट विच टर्न्स आउट टू बी फॉल्स, ठीक है। बट अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जब ए ने बी को बोला दैट सी इज गोइंग टू बी द डायरेक्टर, क्या उसने पर्पसली झूठी इंफॉर्मेशन दी, पर्पसली दी क्या, नहीं, उसको लगा। अच्छा, किस कैसे लगा, उसको कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर एम ने बताया था कि सी डायरेक्टर बनने वाला है, ठीक है। चलो एम की हम बात नहीं करते हैं, पॉइंट इज कि जो ए ने बी को कहा है दैट सी इज गोइंग टू बी द डायरेक्टर, क्या ए ने उसको पर्पसली डिसीव करने के लिए बोला है, नहीं, ए को जो लगा उसने वो कहा, ठीक है। अब अगर आगे जाके फ्यूचर में वो इंफॉर्मेशन गलत निकलती है तो इसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड करेंगे और ना कि फ्रॉड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ए ने जो स्टेटमेंट दिया है दिस कम्स इन मिसरी, उसने पर्पस की गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसको जो लगा उसने वो बी को कहा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट अमाउंट्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन बिकॉज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड डिड नॉट वॉरेंट ए टू बी द पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक्चुअली में इन रियालिटी वॉज सी मेड द डायरेक्टर, सी रियलिटी में सी डायरेक्टर बना क्या, द आंसर इज नो, सी डायरेक्टर नहीं बना। तो यहाँ पर ए ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है बी को, पर पर्पसली दी है क्या, नहीं, उसको जो लगा एक्चुअली में कि शायद सच में सी बनने वाला है उसने वो कह दिया, ठीक है। तो ये किस में आएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा, फ्रॉड में नहीं आएगा, ठीक है। आई होप बोथ द एग्जाम्पल्स आर क्लियर।
तो अगर मिसरिप्रेजेंटेशन आता है यू हैव टू राइट दीज थ्री पॉइंट्स एंड यू कैन राइट एनी वन एग्जाम्पल. ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू राइट द सेकेंड एग्जाम्पल क्योंकि वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है. एनालिसिस को नहीं, या तो डेफिनेशन वाले तीन लिखो या तो एनालिसिस वाले तीन लिखो. अब ये वाला जो पेज है ना, देखो ये डिफरेंस वाला, डिफरेंस यहाँ पर खत्म होता है 34. ठीक है, यहाँ पर ना आपको एक सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 19. ठीक है, इसमें से आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, एक एग्जांपल समझना है. ये पूरा पूरे पेज का मैं आपको समरी दे रही हूँ, सुनो. अब नाउ सपोजिडली आई एम अ फैक्ट्री ओनर, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू परचेज माई फैक्ट्री. ठीक है, आई एम द फैक्ट्री ओनर. अब सुनो, मैं आपको कहती हूं कि मेरी फैक्ट्री में ना 750 टन्स ऑफ शुगर प्रोड्यूस होते हैं पर एनम. ठीक है, पर एनम कितने शुगर प्रोड्यूस होता है, 750 ऑफ टन्स. मैं आपको बता रही हूं मेरी फैक्ट्री के बारे में. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो परचेसर है फैक्ट्री का, डोंट यू थिंक दैट ही विल ऑफकोर्स वॉन्ट टू सी द फैक्ट्री फर्स्ट. ही विल कम एंड ही विल इंस्पेक्ट कि एक्चुअली में 750 टन्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, राइट? तो ये ऑब्वियसली परचेस करने के पहले ही विल कम टू द फैक्ट्री, ही विल सी हाउ द फैक्ट्री इज वर्किंग, एक्चुअली में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे हैं वो चेक करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी चीजें चेक करके फिर ही फैक्ट्री खरीदेगा, राइट? सो व्हाट ही डज, ये परचेसर फैक्ट्री में आके विजिट करेगा, ही विल सुपरवाइज, ही विल जस्ट सी दैट एक्चुअली में भी ये जो बोल रहा है एक्चुअली में भी वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, मैंने उसको क्या बोला, कितने टन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 750 टन्स एनुअली. अच्छा, अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट करेगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो जो सच्चाई होगी वो लिखी होगी, राइट, कि एक्चुअली में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अब ही विल कम एंड यू नो विजिट द एंटायर फैक्ट्री, ही विल डू अ ड्यू डिलिजेंस. क्या आपने वर्ड कभी सुना है ड्यू डिलिजेंस? अगर मैं आपसे ये बॉटल खरीदती हूँ तो देन आई हैव फुल अथॉरिटी टू चेक वेदर दिस इज मेड ऑफ विच, कौन सी कंपनी की है, हाउ मच वाटर इट होल्स, तो मैं सारी चीजों को चेक करके लेती हूँ. तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी कैरी आउट कर रही हूँ. कुछ भी खरीदने से पहले मैं चेक करती हूँ कि क्या ये कैलकुलेटर चल रहा है, वेदर इट्स वर्किंग, फिर वो सारी चीजें करने के बाद क्या ये ऑफ होता है, वो जो एक फॉर्मूला है ना, क्या है डिविजन मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज चेक, और ये दो बार दबाने के बाद कैलकुलेटर बंद हो जाता है, राइट? यही है ना, हाँ. So I will see whether these things are working or not, function हो रहा है बरोबर से या कुछ भी XYZ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, product खरीदने से पहले I am carrying out a due diligence whether things are working properly or not. ठीक है, अब सुनो हुआ क्या, ये purchaser आता है factory में, okay, and he will obviously do due diligence, सारी चीजें देखेगा, books of accounts को क्या करेगा, inspect करता है, क्या करता है, inspect करता है. अच्छा, अब सुनो, अब परचेसर अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि 750 टन्स नहीं, सिर्फ 500 टन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर वो अच्छे से चेक करता है तो उसको ये चीज पता चल जाएगी. अब सुनो, अब परचेसर आया, सुपरवाइज कर रहा है फैक्ट्री को, अगर वो ध्यान से देखता तो उसे पता चल जाता है कि 750 की जगह सिर्फ 500 टन्स ही बन रहे हैं, पर उसने ये फैक्ट देखना वो भूल गया. ठीक है, तो इसमें बताओ, आफ्टर परचेसिंग द फैक्ट्री इफ ही कम्स टू नो कि 759 सिर्फ 500 बन रहे हैं, तो उसमें गलती किसकी होगी, परचेसर की, राइट? यहां पर ही हैड द पावर टू एक्चुअली फाइंड आउट द ट्रुथ, बट डिड ही फाइंड आउट, नहीं, तो इसमें गलती उसकी हो गई, राइट? कल को जाके मैं आपको बाद में आके बोलती हूँ कि ये तो नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, when you came to purchase the product you were checking all the things, ab you were you know doing all the calculations, you were seeing, ab uske baad agar kuch nahi ho raha then it is not my responsibility. Why? Because I had given you the reasonable opportunity to check the product. Agar aapne nahi dekha to isme galti kiski hui, aapki hui. Do you remember the example of Soga where you had gone to purchase the rice and you picked up a handful amount of rice in your hand? Theek hai, wo rice ke jo grains the wo majorly black grains the.
ठीक है, दिख रहे हैं कि ब्लैक है बट मैं फिर भी खरीद रही हूँ, खरीदने के बाद घर पे लेके जाती हूँ और बोलती हूँ अरे ये तो ब्लैक है, तो फिर आप सेलर के पास जाओगे, आप क्या कहोगे कि यू नो मुझे व्हाइट राइस चाहिए थे, ये ब्लैक ब्राउन पता नहीं क्या क्या आ गया है, व्हाट विल ही से, खरीदने के वक्त देखा नहीं था क्या, राइट, ही विल से बिकॉज यहाँ पर जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट क्या है, विजिबल डिफेक्ट है, तो उसके बाद आप सेलर को ब्लेम करोगे क्या, आंसर इज नो, वो आपको बोलेगा दैट व्हेन आई वाज पैकिंग, व्हेन आई वाज फिलिंग इट इन योर बैग, डिड यू नॉट चेक इट, डिड यू नॉट टेक द सैंपल, तो ये वाला जो डिफेक्ट था वो अपेरेंट था, इफ यू रिमेंबर द वर्ड, बट आई एम यूजिंग अ सिंपल वर्ड, विजिबल डिफेक्ट, तो जब डिफेक्ट्स विजिबल होते हैं क्या आप सेलर को ब्लेम कर सकते हो, द आंसर इज नो, यहाँ पर भी वो आया था ना फैक्ट्री में चेक करने के लिए, अगर चाहता तो पता चल जाता उसको, अब उसने अच्छे से ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट नहीं किया, फैक्ट्री खरीद ली उसके बाद ब्लेम करेगा क्या ओनर को, सेलर को, नहीं, तो इसने ही इज लाइबल, रीड सेक्शन 19, अभी मैं आपको मार्क करके दे रही हूँ, पहले यहां से एग्जाम्पल पढ़ लो, ये रीड द एग्जाम्पल यहां से लेके यहां तक, मैंने एक वर्ड अंडरलाइन किया है, इफ ऑर्डिनरी डिलिजेंस हैड बीन एक्सरसाइज्ड, देखो सेकंड लाइन में ये भी लिखा है दैट ही एग्जामिन्स द अकाउंट्स ऑफ द फैक्ट्री, एग्जामिन तो किए पर ढंग से किए क्या, नहीं, ढंग से करता तो पता चल जाता कि 750 की जगह सिर्फ 500 ही शुगर ये हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो भी उसकी गलती है, बिकॉज देन इफ यू आर परचेसिंग समथिंग इट इज योर ड्यूटी ना, ये एग्जांपल पढ़ने के बाद रीड दीज टू लाइंस, ही हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, करेक्ट, उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी फैक्ट्री में चेक करने के लिए, इफ ही वुड हैव कैरीड आउट ऑर्डिनरी डिलिजेंस, अगर वो ऑर्डिनरी डिलिजेंस करता है फिर भी अगर उसको सच्चाई पता नहीं पड़ती है तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो, फिर वो आपकी गलती होगी, हाँ, देखो उसमें ये जो अभी हमने ऊपर के दो एग्जांपल्स पढ़े ना उसमें हमने सिर्फ ये देखा कि मिस रिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है, अगर उसमें भी इफ दे वुड हैव गिवन, उसमें भी द बायर हैज द अपॉर्चुनिटी टू डू रीजनेबल जो भी है ऑर्डिनरी डिलिजेंस, अगर उसने किया अच्छे से, अगर उसको पता चल गया तो ठीक है, बट अगर उसने नहीं किया, मिस रिप्रेजेंटेशन तो है, यहाँ पर सेक्शन 19 में हम क्या बात कर रहे हैं कि कैंसिल कर सकते हो क्या कॉन्ट्रैक्ट, आंसर इज नो, सो इवन दो देयर इज मिस रिप्रेजेंटेशन स्टिल यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा ही नहीं ना, राइट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले अगर पता चल जाता है तो, यहाँ पर सेलर ने क्या किया है, सेलर ने बोला है 750 बनते हैं, सेलर ने यहाँ पर झूठ नहीं बोला है, उसने मिसरिप्रेजेंट किया, उसको भी लगता है 750 बन रहे हैं, गेटिंग मी, तो यहाँ पर बायर हैड द अपॉर्चुनिटी टू चेक, सो ही डिड ही एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस ऑर्डिनरीली, नो, इफ यू वुड हैव गॉट टू नो कि 750 नहीं 500 बन रहे हैं, तो यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन तो है, there is existence of misrepresentation, हम ये नहीं कह रहे कि misrepresentation नहीं होगा, there is misrepresentation, but हम conclusion क्या draw कर रहे हैं, क्या ये contract को आप cancel कर सकते हो, the answer is no, because buyer had a reasonable opportunity to check, पर उसने क्या किया, the answer is no, तो contract cancel होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, एक answer लिखोगे क्या, economics है, सर आए हैं क्या, कहाँ दिखे तुमको, पास, डिड यू सी हिम, सच बताओ,
चलो ठीक है मंडे को लिख लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद बीसीआर. ऑफिशियली पोर्शन इज डन. How do you know? बच्चे बोलते हैं. खुद तो है 25 साल के. चलो we'll write the case on Monday, ठीक है, and Monday को we are starting with BCR.